चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। पहला फायरिंग मेरे ऊपर यहाँ हुआ, मैं यहाँ था तब वो सामने से जो पिस्टल तानी ना उसने, कि साले गोली मार दूंगा खड़ा हो जा, मैं यहाँ डूबक गया से नीचे। हाँ जी, गोली कहाँ लगी है आप कह रहे थे? जैसे वे सामने खड़े थे ना तो गोली ऐसे भी गई। अच्छा, ये तो हमें पता नहीं। उधर थे? हाँ वो उधर थे यहाँ सामने। कितने पुलिस वाले थे? 8-10 थे जी, 8-10 पुलिस वाले। मेहमान आए हुए थे मेरे पास घर पे, तो एक लड़का सिविल में था, उसका नाम नितिन है, सिपाही है वो। मेरे को पता चला कि ये सिपाही है, पुलिस में है यहीं बुढ़ाना थाने से। तो वो ऊपर गया, बोले तुम्हारा नाम इकराम है? मगर जी हाँ। तो वो मेरे को पकड़ के ले जाने लगा, नीचे पुलिस वाले काफ़ी थे, उन्होंने सब ने मेरे को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में वे मेरे को कहने लगे चल हमारे साथ चल। मगर सर कहाँ पे मेरे को ले जा रहे हो, मेरा क्या कसूर है आप मेरे को बताओ, पहले मेरा कसूर बताओ क्या है। वो बोलने लगे नहीं उधर ही बताएंगे, थाने चलो तुम। अच्छा, अब वो मेरे साथ में ज़बरदस्ती करने लगे, मार पीटने लगे मेरे साथ, 2-4 लाठी भी मारी मेरे, थप्पड़ मुक्की मारी मेरे। तो मेरे बच्चे मेरी बीवी उनके साथ में झटक जुआ होने लगे, मेरे को छुड़ाने लगे। जैसे मैं भागने लगा, एक दरोगा ने मेरे ऊपर फायर किया पिस्टल से, गोली मारी सीधी, बोले साले रुक जा वरना तुम्हारे गोली मार दूंगा ऐसे। मैं थोड़ा नीचे हो गया, जैसे पिस्टल तान दी मैं डर गया, तो उसने सीधी गोली मारी मेरे ऊपर। उधर से फ़ोन पे उनकी बात भी चल रही थी, ऐसा बताया कि सीओ से बात हो रही थी कि मेरे पास इसको लेके आओ, जिंदा लाओ या मुर्दा लाओ। फिर मेहमान आए हुए थे, मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, तो वहाँ पे एक शादी वर्दी में लंबा सा लड़का था, लाल रंग की टी-शर्ट पहन रहा था, तो आके एकदम से घर में आया। तो उसने हमें कुछ भी नहीं कहा, कह लगे इकराम को बताओ क्या है, कहाँ है इकराम, कहाँ है भैया, ये तो बताओ तुम हो कौन यहाँ से आके। उसने एकदम से हाथ में मरोड़ी दी, मरोड़ी दे के उसने यहाँ पे आपके हाथ में, मेरे हाथ में मरोड़ी दी। तो यहाँ से उसने पकड़ के मेरे यहाँ से कमीज भी सारा फाड़ रखा है उन्होंने, इस तरह की मार पिटाई करी बहुत ज़्यादा। मैं कह लगे मारपीट क्यों कर रहे हो, कोई कसूर तो बताओ, इस तरह क्यों कर रहे हो, तुम कौन हो ये बताओ, तुमने मारपीट आके क्यों करी एकदम। मेरे घर पे 6 लड़की थी, 3-4 लड़की जवान थी, मैंने कहा तुम आके ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहे हो घर में। क्या क्या तोड़ा है घर में? कल उसमें आके डंडे बजाए, फ्रिज में डंडे बजा रखे, पंखे पर बजा रखे, सारे घर में मारपीट, ऊपर नीचे सारों को। फिर जी मैं बाहर खड़ी थी, तो जेंट्स बोला कि वो भी थी मेरे पैर पकड़ रही थी, तो उसने मुझे कोड़ा करके लेडीज पुलिस ने मारा, बहुत मारा मुझे। जेंट्स ने भी मारा जी, कमर में भी बजाई जी, कोनिया बजाई जी। अगर पापा कोई पूछ रहे थे क्या हमारे पापा का कसूर क्या है, हमारे पापा को छोड़ दो, तो जिसने कोनिया बजाई हमारे पेटों के अंदर, हमारी पसलियों के अंदर दुखन हो रही जी, अब तक हम पानी भी नहीं पी सकते जी। तब तक लेडीज पुलिस नहीं आई? नहीं जी, जेंट्स ने कोनिया बजाई। आप बता रहे थे कि 302 के केस में आपके पिताजी गवाह हैं? मेरे पापा गवाह हैं जी, वो यही तो कहते हैं कि आपके पापा की गवाही चाहिए हमें। जो रईसू का मर्डर हुआ था, जिसका नाम रईसू था, जिसका जो 302 के गवाह है, तो उसको मारता हुआ इन्होंने मेरे पापा ने देखा था।
तो इसलिए ये सब ये सोच रहे कि इसके ऊपर इकराम के ऊपर दबाव बना के जो इकराम के पापा है वो गवाही दे देंगे। जो ये घटना हुई है तो इसके पीछे वजह क्या है? बस इसके पीछे तो ये राजनीति की बात है जी, दबाव जो डाला जा रहा है वो उस गवाही का चक्कर है जी सारा। तो मैं हूँ 302 का गवाह, 302 का गवाह हूँ, तो इस वजह से दबिश डाल दी मेरे लड़के पे। जी उस केस के बारे में बताइए, क्या आपने देखा था, कौन देखा लोग थे, थोड़ा उसके बारे में शुरू से बताइए क्या हुआ था। जब ये दुनिया चढ़ गई वहाँ से तो मैं धोबियों के कोठे चढ़ गया, वहाँ मुंडा पड़ गया नमाज पढ़ने जा रहा हूँ दंगे में, हाँ मस्जिद में। तो वहाँ से फिर मैं देखा तो वो रईसू को कत्ल कर दिया। ये रईसू कौन थे? रईसू धोबी था। आपके पड़ोसी थे? कुछ फासले से थे। तो जी मैं डर गया, मुंडा पड़ा हुआ देख रहा था, जो दूसरे आदमी मुझे ना देखा इसी इस तरकीब से कोठे पड़ गया मैं, मगर नहीं मुझे मारेंगे ये। तो जी मैंने क्या काम करा, देखता रहा। फिर उसके बाद में वे उधर से चले गए। फिर मैं वहाँ से निकल कर और एक खोमो को चलाया। राजा के बारे में आप जिक्र कर रहे थे कि उसको देख ढूंढने के लिए आपके घर वो जैसे मेरे घर आए, उन्होंने राजा का कोई जिक्र नहीं किया मेरे घर में आने के बाद। राजा कौन है ये? राजा ये कोई वांटेड है, 25,000 का इनाम भी बता रहे हैं। हमने तो आज तक देखा नहीं, क्योंकि हमारा गांव 8 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, हम तो यहाँ आए को 5 साल हो गए, दंगा में आए थे। अच्छा, हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी आज तक। अगर राजा को लेने के लिए आए थे तो इकराम को क्यों घसीटे जा रहा है, इकराम के ऊपर क्यों फेर किए जा रहा है? अगर वो नहीं जानते राजा को तो सबकी तलाशी होनी चाहिए थी, मेरी भी तलाशी होनी चाहिए थी। लेकिन मेरे घर के अंदर उन्होंने राजा का कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने केवल इकराम का नाम लिया और इकराम की ही पूछ करी, बोले हमें इकराम चाहिए, इकराम कौन है? वैसे तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहाँ गया हम तो बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाया, कहाँ से पढ़ेंगे हम जब हमें इस तरह मारेंगे? क्या कोई नारी कोई सम्मान नहीं है भारत के अंदर? उसके विरोध में आपने कुछ कार्रवाई की है अभी तक? मैंने तो कुछ भी नहीं की जी, क्योंकि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, पुलिस फोर्स सब इनकी है और मंत्री विधायक सब इनके, कौन सुनेगा हमारी बताओ? केंद्र तक सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के वो लोग है, हम तो इंसाफ चाहते हैं बस, हमारी गवाही हो जाए और जो कोर्ट का फैसला है कोर्ट इंसाफ करती है, तो इंसाफ ही हमें चाहिए। जैसे हमारे साथ जुल्म हुआ है, उस जुल्म के बदले में उनको जो सज़ा कोर्ट देगी वो हमें मंजूर है।